हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ, जो कि ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल में आपको बनाकर मैं सिखाऊंगा कि कैसे आइसोमेट्रिक तो ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल में बनाया जाता है। ये अक्सर आईटीआई डिप्लोमा बेटेक के एग्जामों में ये पूछ लिया करता है। ये 15 नंबर से लेकर 35 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। ये हमारा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। आप पूरा होल देख रहे हैं, ये 3D में बना हुआ है। 3D मतलब जिसको हम 3 व्यू दे सकते हैं। इसमें 3 व्यू दिया होता है। पहला होता है टॉप, जो कि छत, जिसे हम छत कहते हैं, वो हमारा टॉप व्यू दिया हुआ है। साइड जो हम छत के किनारे वाला साइड दीवार होता है, वो हमारा साइड है। फ्रंट यानी घर के सामने वाला हिस्सा, यानी जिस जिधर से हम लोग एंट्री करते हैं, वो हमारा फ्रंट हो गया। तो इसके सारे डायमेंशंस हमारे आइसोमेट्रिक में दिए होते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत इजी या बहुत हार्ड पूछे जाते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक पूछते हैं, या तो इजी पूछता है या तो बहुत हार्ड पूछता है। तो ये बहुत ही इजी है, बस जिसको नहीं समझ में आया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाते हैं, उसको यही चीज हार्ड लगने लगती है। तो चलिए चलते हैं डायग्राम पर। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है। इसमें क्या है कि जब भी हम ऑर्थोग्राफी इन थर्ड एंगल बनाते हैं, तो एक हमारा सूत्र है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो डायग्राम में फ्रंट व्यू किस साइड दिया हुआ है। तो हम ध्यान से देखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस क्वेश्चन को ध्यान से पूरे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश किया है एग्जाम ने, यानी क्या बनाने के लिए कहा है। थर्ड एंगल में कहा है कि फर्स्ट एंगल में कहा है। अक्सर थर्ड एंगल में आते हैं, कभी कभी फर्स्ट एंगल में पूछ लेते हैं। तो अगर थर्ड एंगल में बताया है, तो थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू किस साइड दिया है, जो डायग्राम दिया है आपके एग्जाम के पेपर में, वो कुछ इस तरीके से दिया होगा। उसमें फ्रंट, टॉप और साइड कुछ इस तरीके से, और डायमेंशंस दिए होंगे। ये क्रॉस जो हेक्साइन है, ये नहीं दिया होता है। टोटली एकदम सिंपल सा डायग्राम होता है। तो हम क्या करते हैं थर्ड एंगल में कि जो फ्रंट व्यू है, जैसे कि हमारा जो फ्रंट व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट व्यू किस साइड डायग्राम में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो आपके किस साइड, यानी आप ऐसे हाथ रखते हो तो आपके हाथ की किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ध्यान से देखिएगा, फ्रंट व्यू हमारा किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और साइड व्यू हमारा किस साइड है, राइट हैंड साइड। एक बार और बता देता हूं कि फ्रंट व्यू जिस साइड दिया होता है, हम उधर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, और साइड व्यू राइट हैंड साइड दिया हुआ है। अगर थर्ड एंगल बनाना है, तो हमारा सूत्र ये होगा कि जिस साइड फ्रंट व्यू बना होता है, हम उसी साइड फ्रंट व्यू बनाते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो हमारा एफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफ लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफ लिखते हैं, यानी फ्रंट। ये फ्रंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो साइड व्यू है वो हमारा राइट है, यानी एस, यानी हम इसको एस, ये जो एस है, ये हमारा एस, ये राइट हैंड साइड में है। अब हमारा टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू हमारा वही बनेगा जहां पर हमारा फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ, यानी
ये हमारा टॉप यानी टी टॉप फ्रंट पे ठीक ऊपर की तरफ बनेगा, ये हमारा थर्ड थर्ड एंगल, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सूत्र है टी एफ एस यानी टॉप फ्रंट साइड, ये हमारा इसी सूत्र पर बनेगा यानी फ्रंट, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये हमारा वो है जिस पर हम बनाते हैं, ये हमारा लाइन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो कि दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हमारा 10 mm पर बनाते हैं, ये लाइन होती है हमारी इस पर हम डाइंग बनाते हैं, और ये हमारा होता है जो कि इस पर सपोर्ट करता है सपोर्टिंग लाइन कहते हैं, ये इस तरह का इस तरह बनाने से हमारा ड्राइंग एक्यूरेट और राइट तरह से बनते हैं। तो ये हमारा एफ यानी जो हम फ्रंट व्यू बनाएंगे वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी यहां बनेगा, और साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड यानी यहां बनेगा एस, यहां बनेगा एफ। अब हमारा टी कहां पर है, यहां पर है, तो हम टी ठीक ऊपर की तरफ हम बना देते हैं। आज में ये हमारा सूत्र था जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से हमारा सूत्र यहां आएगा। अगर यही चीज फ्रंट व्यू यहां पर होता और साइड व्यू यहां पर होता तो हमारा एफ यहां होता और एस यहां होता, तो टी कहां चला जाता, एफ के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टी चला जाता। तो ये सूत्र हमारा अगर फ्रंट व्यू यहां होता तो सूत्र हमारा कुछ इस तरीके से होता। तो जिस तरह हमारा डायग्राम में फिगर दिया है हम उसी हिसाब से बनाते हैं। तो इससे हम चलिए मिटा देते हैं ये आपको समझाने के लिए और डिटेल पर बताने के लिए मैंने इसको बनाया था। तो चलिए डायग्राम पर अब हमें बनाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इन थर्ड एंगल। तो सूत्र मैंने बता दिया था जो आपने देख लिया होगा, अब डायग्राम बनाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फ्रंट व्यू साइड व्यू से टॉप व्यू से आप भी टॉप व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको डायग्राम समझ में आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू का हम पूरा डायमेंशन देखेंगे कि हम फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज दिख रहा है, जो चीज दिखता है हम उसको अपने तरीके से या तो हेक्साइन कर लेंगे या तो डॉट और डॉट कर लेंगे या आपको जो भी करना हो और उस एरिया को वो चिन्हित कर लेंगे कि हमें यही चीज बनाने हैं फ्रंट व्यू में। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने हेक्साइन कर ली है, हमें अगर हम इस साइड से देखते हैं, जब इस एक साइड से देखेंगे तो हमें क्या चीज दिखाई देगा, ये पूरा चीज हिस्सा, ये अगर हम इधर से दिखाई देंगे तो ये हमारा पूरा हिस्सा दिखाई देगा जो कि मैंने हेक्साइन किया हुआ है। तो हम इसी पर चलते हैं। तो इसकी डायमेंशंस, इसकी हाइट हमारी 30 है और इसकी लेंथ हमारी देखते हैं 56 है, हमारी सारी डायमेंशंस दी हुई है, यहां से यहां तक हमारी 27 है, ये जो हमारा गैप है हमारा ये एरिया बनाना है, न कि ये हमें दिखाई देगा, अगर हम सामने से देखेंगे तो ये चीज दिखाई देगा ना कि ये चीज। तो इसलिए हम इसको हेक्साइन नहीं किया है, समझ जाइए कि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है हमें वही हेक्साइन किया है। और इसकी डायमेंशन यहाँ पर 16 mm यानी ये हमारा 16 mm है और इसकी जो लेंथ है अंदर की गहराई वो हमारी 15 mm है, आप देख सकते हो। तो हमें ये चीज टोटली बनाना है और इसकी लंबाई हमारी यहाँ पर जो है 15 mm, तो हमें जो दिख रहा है एक्यूरेट टू कॉपी करनी है डायमेंशन के साथ, ऐसा नहीं है कि आप डायमेंशन नहीं बनाया और
ऐसे हमने उतार दिया, कॉपी कर दिया। तो डायमेंशंस के साथ हमें बनाने हैं, चलिए फटाक से बना के हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जी इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेटर से बेटर वीडियो आपको प्रोवाइड देने की कोशिश करूंगा। तो इसको भी चलिए मिटा देते हैं। अब हम इसी पर हम थर्ड एंगल, ये एंगल है, अब हम थर्ड एंगल बनाएंगे। पहली फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड है और साइड व्यू राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर हम बनाएंगे, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, इसकी पूरी लंबाई लेंगे, यानी यहाँ से इस छोर तक हम पूरी लंबाई ले लेंगे। इसके बाद हम इसको बनाएंगे, तो इसकी लंबाई हम और इसकी हाइट कितनी है 30 mm। तो पहले हम हाइट ले लेते हैं। अब हम इस पॉइंट से देखिए, हम ये पॉइंट छोड़ देते हैं और हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ हाइट ले लेते हैं, ये हमारी 30 mm है। तो हम क्या करते हैं 30 mm हाइट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा लाइन ऑलरेडी बना हुआ है तो हम हाइट ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी 56 यानी हम 56 एक लेंथ खींच लेते हैं, 56 जो डायमेंशन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से मैंने 56 लाइन खींच लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि 56 खींचने के बाद ये भी हाइट हम लेफ्ट हैंड साइड से खींच लेते हैं इस लाइन पर, तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया और इसके किनारे का मैंने ये हो गया, ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना क्या, जो दिख रहा है वही बनाना है, ये पूरा बॉक्स नहीं बनाना है। अब हमें क्या करना है, यहां से 15 यानी यहां से हमें 15 लेना है, तो नाप लेते हैं स्केल से। स्केल से नापने के बाद हम 15 कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी हाइट नापते हैं, तो इसकी हाइट ये कितनी है तो हम यहाँ पता लगाएंगे कि इसकी हाइट कितनी है, यानी इसकी हाइट पता लगाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 mm। तो यहाँ से हम 15 mm स्केल से नाप लेने के बाद हम ऊपर की तरह खींच देते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से खींचने के बाद ये लाइन और ये पॉइंट हम मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी पॉइंट एक्यूरेट मिली हुई है, हम इसको हम मिला देते हैं। ये मैंने पॉइंट मिला दिया, मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो है हम उसको इरेज कर देंगे या मिटा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एल के आकार का, यानी ये एल के आकार का है। अब हमें ये जो गहरा है जो स्लॉट बना हुआ है हमें वो भी बनाने हैं, तो देखिए कैसे आपको बनाने हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ 27 mm, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट हम 27 mm नाप लेंगे, नापने के बाद यहाँ से 16 mm बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट से मैं ये 27 mm नाप लिया, यहाँ से 16 mm ये कुछ इस तरीके से दो बिंदुओं का चाप लिया या माप लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक लाइन यहाँ पर दे दिया और ये लाइन यहाँ पर दे दिया। ये हमारा अगर हम देखेंगे तो जैसे लगेगा कि हमें वो दम सामने ही है, ये स्लॉट हमें पता नहीं चलेगा अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। डायमेंशंस हम क्या करते हैं लास्ट में आप सभी को बताएंगे, या डायमेंशंस कितना देते हैं लास्ट में हम आपको दिखा देंगे। अब चलते हैं साइड व्यू, साइड व्यू पर हमारा क्या है, राइट हैंड साइड पर रहा है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, हाइट कितनी है 30 mm है, सेम एज इट
इसमें कोई चेंज नहीं है, हाइट हम सेम ले लेंगे और इसकी लेंथ कितनी है 36 mm, यानी हम 36 mm क्या करेंगे इसकी लेंथ लेंगे। जो इसकी लेंथ ली है हमने 56 ली है और इसकी जो लेंथ लेंगे हम 36 लेंगे। तो हम अगर यहां से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो हमें जो दिखाई देगा उसको हम अलग तरीके से यानी डॉट 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 हम कुछ ही तरीके से बना लेते हैं। हमें ये चीज बनाने हैं और हमें ये चीज दिखाई देगा। देखिए जो चीज दिखाई देगा अपने हिसाब से आप कुछ भी आप अपने हिसाब से समझने के लिए कर देंगे। तो ये हमें ये चीज दिखाई दे रहा है सामने से, तो हमें जो चीज दिखाई दे रहा है हम वो चीज कुछ इस तरीके दिखाई देंगे। और ये जो स्लॉट कटी हुई है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब पर भी हम इसे सामने से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, बट इसे हमें बनाना है। अब हम बताए आप सोचेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे, ये तो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये हमारा तो स्लॉट कटा हुआ है, खाचा कटा हुआ है तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ऑलरेडी दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ, पहले इतना तो आपको बता देता हूँ। तो इसकी हाइट हमारी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना चुकी है, तो क्या करेंगे एज इट इज मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ बगल वाले से, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड बना है उसकी हाइट से ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पर उसकी हाइट देने के बाद यहाँ पर बिंदु लगा दिया, लगाने के बाद इसकी लेंथ कितनी है 36 mm, तो मैंने इसको 36 mm पहले ले लेता हूँ। ये हमने 36 mm ले लिया, लेने के बाद ये जो है लाइन है उसको मिटा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा लाइन निकला था वो मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद 36 mm लेने के बाद अब हम इसकी हाइट देखेंगे, तो ऑलरेडी मैंने इसकी हाइट यहाँ पर ली हुई है क्योंकि जो इसकी हाइट होगी वो इसकी गहराई है। तो मैं क्या करता हूं इसी को मैं 36 mm ले लेता हूं एज इज इट कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने हाइट ले लिया, इसके बाद क्या करता हूं इसको मैंने ये तो हमारा 30 mm ही रहेगा, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लेने के बाद हम ये वाली लाइन मिटा देते हैं जो एक्स्ट्रा निकली होती है। इसके बाद ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से हो गया, यानी हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी मैंने बना दिए, ठीक है आपको दिख रहा होगा मैंने ये साइड व्यू बना दिया। अब हमें ये चीज बनाना है, तो ये हमारा क्या हो रहा है छुपा हुआ चीज है, यानी वो हमें साइड व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है बट वो बना हुआ है शॉट, तो हमें ये चीज दिखाई दे रहा है। तो यानी जो छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए जो लाइन हम प्रयोग करते हैं वो हिडन लाइन है। हिडन लाइन कैसे देते हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं। अब इसकी लेंथ कितनी है 15 mm, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड से हम 15 mm लेंगे, ये इस कॉर्नर से हम 15 mm लेंगे, तो यहां से हम 15 mm ले लेते हैं। लेने के बाद हम हिडन लाइन, यानी जो भी हिडन लाइन देंगे वो लाइन जो बिंदु होगी एक समान रूप से होगी, उसमें कोई लंबी कोई छोटी नहीं होगी, जो लाइन होगी एक समान रूप से हम बनाते हैं। ये हमारा हिडन लाइन है, एक बात और है हिडन लाइन में, ये लाइन और ये लाइन हमारी टच होनी चाहिए और एक समान रूप से जो भी पॉइंट आप बना रहे हो एक समान रूप से हमें बनाना है। इसी से पता चलता है कि हमारा हिडन लाइन हमारा, यानी वहां पर कुछ वस्तु या ग्रह या स्लॉट बने हुए हैं जो छुपा हुआ है, तो हम
इसको किसी तरीके से डिजाइन प्रस्तुत करते हैं। अब क्या करते हैं कि हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो साइड फ्रंट बनकर तैयार हो गया। अब बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा किस साइड है? फ्रंट के ठीक ऊपर की तरफ बनता है। तो हम क्या बनाएंगे? जो टॉप बनेगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा। तो अब हम टॉप ऊपर से देखेंगे तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे खाली छोड़ देंगे। हमें जो खाली दिख रहा है, जैसे कि हमें खाली दिख रहा है, कोई कुछ नहीं किया है, ये खाली दिख रहा है, कोई कुछ नहीं किया है, तो हमें यही चीज उतार देनी है, यानी यही चीज हमें बनानी है जो दिख रही है। तो इसकी डायमेंशंस हम देख लेते हैं और हम फ्रंट व्यू के ठीक बना लेते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इस तरह बनेगा कि इस तरह बनेगा। मैं बता दूं, अगर फ्रंट व्यू है तो ये हम कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, यानी ये चीज हमारा ये इस तरह से जाएगा, यानी ये इस तरह दिया है तो ये इस तरह घूम जाएगा, ये इस तरह दिया है तो इस तरह घूम जाएगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू इस साइड दिया है तो इस तरह घूमेगा, तो ये हमारा इस तरह घूम जाएगा, तो ये सामने से देखा जाएगा तो ये बनेगा फ्रंट व्यू। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू जो दिखाई देगा हमें वही चीज बनाने हैं। तो चले, ये हमारा क्या हो गया? एफ है और ठीक इसी फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनता है। तो हम डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पर 56 मैंने खींचा हुआ है, तो 56 ले लेते हैं और इसकी हाइट 36 है। तो हम क्या करते हैं, 36 ले लेते हैं। ये 36 मैंने हाइट ले लिया। इसके बाद मैंने इसको एक बॉक्स की तरह बना लेते हैं। बनाने के बाद ये जो लाइन निकली हुई है इसको हम इरेज कर देते हैं या मिटा देते हैं। अब हमें बनाने क्या है, अगर ऊपर देखेंगे तो ये स्लॉट, यानी यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एरिया, तो हमें ये एरिया बनाने हैं, ये बनाने हैं, बट यहाँ पर हमें गैप दिखाना है, तो यहाँ पर स्लॉट कटे हुए हैं, तो हमें वो स्लॉट दिखाने हैं। तो ये हमारा स्लॉट कटा हुआ है, इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कितना? 15 mm। 15 mm यहां से ले जाएंगे और 15 mm हम यहां से ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस वाले लाइन को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये स्लॉट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे ये बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, यानी ये बॉक्स, यानी ये जो इसकी लेंथ है 15 mm, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन गई हुई है यही बॉक्स हमारा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन गई हुई है 15 mm, तो ये हमारा भी 15 mm है, यानी ये जो लाइन गई हुई है 15 mm का है, जो लेंथ है इसकी भी तब लेंथ हमारी 15 mm। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, सेम लाइन हम 15 mm नापने की जरूरत नहीं है, यही लाइन हम कुछ खींच देंगे। जैसे कि आप देख रहा होगा कि ये टॉप व्यू में कुछ इस तरीके से, अगर ऊपर देखेंगे तो ये एरिया और ये एरिया कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा थर्ड एंगल में है। मैं इसको डायमेंशंस बना के दिखा दे रहा हूँ कि डायमेंशंस आपको किस तरह देने हैं और कैसे देने हैं। चलिए चलते हैं डायमेंशन पर, तो लास्ट में आपको बता देता हूँ बनाने के।
जैसे कि दिख रहा है डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशन देना है कि हमारा जैसे डायमेंशन दिया हुआ है फ्रंट व्यू में मैंने वैसे डायमेंशन दे दिया है। यहाँ पर 27 दिया है तो मैंने 27 लिख दिया है, यहाँ पर 16 दिया है मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया है, यहाँ पर 56 दिया है मैंने 56 दिया है, यहाँ पर 30 मैंने यहाँ पर 30 दिया है। इसके बाद मैंने इस मन कोई डायमेंशन नहीं दिया है क्योंकि ऊपर कोई डायमेंशन नहीं दिया है, एक्यूरेट मैंने जो डायमेंशन नहीं दिया है वही चीज मैंने लिखा है। यानी जो हमें डायमेंशन आइसोमेट्रिक में दिया है डायग्राम में जो डायमेंशन दिया है हमें वही डायमेंशन यहाँ पर दे रहे हैं, और जो डायमेंशन हमारे साइड जो है देखिए यहाँ पर दिया है 36 36, यहाँ पर 15 दिया है तो ये हमें 15 यहाँ पर हमें दर्शाते हैं क्योंकि हमारे 10 देखेंगे 15 हमारा दिया हुआ है तो ये हमारा 15 यहाँ पर दर्शाती है, 15 इसका दर्शाती है। इसकी हाइट हमारी 30 है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 30 है तो ये 50-50 होना चाहिए, तो जिस तरह डायग्राम में दिया है आपको एक्यूरेट उसी तरह हमें बनाने हैं। तो यह हमारा 15 mm दिया है तो मैंने 15 mm इसको बना दिया, और इसकी जो हाइट है 30 mm है तो यहाँ पर इसकी हाइट दी हुई है तो सेम इसकी हाइट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इसकी हाइट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। और कापी चलते हैं, कापी में 15 mm यानी 15 mm, अब इसकी लेंथ पूरी हमें यहाँ पर भी देने की आवश्यकता नहीं है, इसकी हाइट मैंने दे दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी जो लेंथ है दर्शाई नहीं थी तो यहाँ पर दर्शा दिया है, इसकी लेंथ यहाँ दर्शा है तो इसकी लेंथ दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ यहाँ दर्शा दिया है तो इसकी लेंथ दर्शाने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ इस तरीके से हमारा डायमेंशन देते हैं और ये हमारा डायमेंशन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने हैं। ये जो आप बना रहे हैं ये जो लिख रहे हैं 5 mm में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये जो 7 है यानी जो आप 27 लिखते हैं वो आपको इस तरह डायग्राम में नहीं बनाना है, ये 27 डायग्राम में हमारा गलत है, आपको 27 ये इस तरह नहीं लिखना है, केवल आपको अगर 27 दिया है तो आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप ये लिख रहे हैं अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 आपको इस तरह होना चाहिए न कि आप इस तरह बनाएंगे, ये हमारा डायग्राम में गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज है जो नंबर में भी डिफरेंस ला देता है डायग्राम में, तो आप ध्यान दीजिए 7 को चाहे 1 को पैटर्न भी हो, जैसे आई बनाते हैं यहाँ पर साइड SIDE तो आप आई कभी कभी क्या होता है इस तरह लिख देते हैं तो ये हमारे डायग्राम में गलत हो जाता है, केवल आई हमारा इस तरह हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी गलतियों से हमारे मार्क्स काट जाते हैं, तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। अब मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना देता हूँ, फटा देना वो आपको समझाऊंगा नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने थर्ड एंगल बताया है उस तरह फर्स्ट एंगल में ही होगा, बस एज इट इज मैं कुछ चीजें चेंज जाएंगी, जैसे फ्रंट व्यू यहाँ पर है तो फ्रंट व्यू यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में यानी ऊपर की तरफ आ जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फ्लाई फटा चला सेम चीज यही रहेगा बस हमारा कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल का सूत्र है अगर फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारा क्या होता है, अगर ये हमारा पहले का सूत्र था, ये जो मैंने थर्ड एंगल सूत्र बनाया था वो थर्ड एंगल का था, अब इसको हम फर्स्ट एंगल में करेंगे तो ये एफ हमारा क्रॉस यानी यहाँ पर एफ चला जाएगा, ये उठकर हमारा एफ यहाँ चला जाएगा यानी राइट हैंड साइड यानी क्रॉस में जाएगा तो राइट हैंड साइड में एफ में यहाँ पर जाएगा, और ये एस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद हमारा टी फ्रंट व्यू के ठीक नीचे की तरफ बनता है, तो यही हमारा सूत्र है। तो आपको सूत्र मैं समझा दे रहा हूँ कि आप इस तरह लाइन लीजिए, अगर पॉइंट एंगल बनाना है तो पॉइंट एंगल में अगर डायग्राम में फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारा ऊपर की तरफ इस तरह बनाएंगे तो ऊपर की तरफ एफ होगा हमारा यानी
यहाँ पर एफ था तो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये ऊपर की तल पर। और ठीक बगल में हमारा अगर एफ समझ में आ गया कि हमारा यहाँ जाएगा तो ठीक इसी की साइड साइड यू बनेगा। आप फ्री यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट एंगल, ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, जो कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट साइड टॉप, यानी हमारा थर्ड एंगल में क्या था, फ्रंट साइड टॉप यहाँ पर था, फ्रंट यहाँ पर था, साइड यहाँ पर था, टॉप यहाँ पर था। अब क्या हो गया, फ्रंट जब यहाँ पर गया, जो फ्रंट यहाँ था वो हमारा यहाँ पर आ गया, जो साइड यहाँ पर था वो साइड यहाँ पर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम डायग्राम था, सब कुछ सेम था, बस क्या चेंज हो गया, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो गया, जो यहाँ पर फ्रंट था वो हमारा उठकर यहाँ पर आ गया, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, हम बस क्या करते हैं ये हमारा टॉप है, तो हमें अगर ऊपर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा टॉप वीडियो, तो कुछ इस तरीके से हमारा थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल में, इसलिए आपको समझ में आएगा। इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखे समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरह समझाने की कोशिश किए हैं, और इस आइसोमेट्रिक को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके बाद आप इसको बनाने के यानी खुद बनाने की प्रैक्टिस किया कीजिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब बिना देखे आप इसको बनाएंगे तो आप क्लियरली समझ में आएगा कि हमें बनाना क्या है और किस तरीके से बनाना है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस वीडियो से आप क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट करें, और इस वीडियो को हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो